हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम एपीआई के बारे में सीखेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का। इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, रूटीन एंड टूल्स यूज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एपीआई हमारे पास सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, रूटीन्स है एंड टूल्स है जो कि हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करते हैं। कैसे, आगे स्लाइड में एक्सप्लेन हो जाएगा। एपीआई डिफाइंस हाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स शुड इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। एपीआई के थ्रू ही हम ये कर सकते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये किस तरह इंटरैक्ट करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल इसका यही है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान इंटरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ताकि फ्रंट एंड बैक एंड से डेटा को रिट्रीव करें, तो इसको, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एपीआई चाहिए। लुक, दे प्रोवाइड अ वे फॉर डेवलपर टू एक्सेस द फंक्शनलिटी ऑफ अनदर एप्लीकेशन और सर्विस विदाउट हैविंग टू नो हाउ इट्स वर्क इंटरनली। अब इसमें दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हम अपने प्रोग्राम अपने एप्लीकेशन में दूसरे किसी सर्विस को यूज करना चाहे। सिंपल इसका ये एग्जांपल हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक वेबसाइट बना रहे हो और उसमें आपने इंटीग्रेट करना है पेमेंट गेटवे, चाहे पायनियर का हो, पेपाल का हो, तो आप जो है उसके लिए क्या करोगे, आपने उसका एपीआई लेना है, पेपाल हो या पायनियर हो, उसका एपीआई लेके अपने जो वेबसाइट है उसके अंदर इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या कर दिया आपने, उस सर्विस को यूज किया थ्रू एपीआई। जिस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि एपीआई हमारे पास एक ब्रिज है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन फ्रंट एंड विद बैक एंड और विद थर्ड पार्टी एपीआईस। सो लुक, एपीआईस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क सच एज रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को कहा कि हम मुख्तलिफ जो है ज्यादा टास्क जो है उसकी परफॉर्मिंग के लिए यूज करते हैं। इसके थ्रू हम ज्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना, सेंडिंग ईमेल, प्रोसेसिंग पेमेंट और इंटीग्रेटिंग विद थर्ड पार्टी सर्विसेज। थर्ड पार्टी सर्विस यानी हमारे पास जो दूसरे एप्लीकेशन है उसकी सर्विस को अपने ही सिस्टम के अंदर यूज करना, इसे कहते हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज को अवेल करना, जैसे कि एपीआई, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हो गया इस तरह के। They are essentially for building modern web and mobile application that rely on the data and services from multiple sources. वही बात है। So look, API come in a many different form, including web APIs. अब APIs हमारे पास मुख्तलिफ किस्म इसके होते हैं। इसमें हमारे पास web APIs भी होते हैं, which are accessed over the internet using HTTP request. और जो कि हमारे पास internet के through access होते हैं, मतलब उसको access करने के लिए हमें internet ज़रूरत होता है। उसमें है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक हमारे पास वे है जिसके थ्रू हम API वेब के ऊपर एक्सेस करते हैं। एंड लाइब्रेरी APIs व्हिच आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, दैट इज SDK एंड एक्सेस्ड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक कॉल्स। और इसके अलावा हमारे पास और भी लाइब्रेरीज है APIs की, जिस तरह उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो कि हम एंड्रॉयड के उसमें यूज करते हैं केस में, तो वो भी अपनी उसकी स्पेसिफिक कॉल होते ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुताबिक उसकी सिंटैक्स, उसकी कॉल करने के तरीके वगैरह होते हैं। APIs are a key component of the modern software development landscapes, enabling developers to build powerful and flexible applications by enhancing the functionality of the software services and components. So look, APIs हमारे पास एक की कंपोनेंट है, एक अहम कंपोनेंट है मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। पहले हम इस तरह से यूज नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही की है, मतलब उसके साथ पीएचपी यूज करते हुए आपने उसके अंदर वो किया है, जैसे ब्लेड टेम्पलेट वाला कंसेप्ट है, तो उसमें हम जो है एपीआई कॉल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें उसके अंदर ही हमारे पास वो बैक एंड जो है वो मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बैक एंड सेपरेट करें, फ्रंट एंड सेपरेट करें, या अपने फ्रंट एंड के अंदर किसी थर्ड पार्टी सर्विस को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जरूर जो है वो एपीआई यूज करेंगे। तो इसलिए आजकल की जो भी एप्लीकेशन बन रहे हैं वो एपीआई को, इस सर्विस को जो है वो अवेल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इनेबलिंग डेवलपर टू बिल्ड पावरफुल। ये डेवलपर को इन्होंने एक वे प्रोवाइड किया है कि जिसके थ्रू ये पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं।
सो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है कि लेट्स से वी वांट टू बिल्ड अ वेदर ऐप दैट डिस्प्ले द करंट वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन। मिसाल के तौर पर हम वेदर ऐप बनाना चाहते हैं जो कि हमारे पास करंट वेदर डिस्प्ले करेगा, जो लोकेशन उधर हम सेलेक्ट करेंगे या जो लोकेशन उसे हम देंगे। सो वी कैन यूज एन एपीआई प्रोवाइड बाय द ओपन वेदर मैप। ये हमारे पास एक वेबसाइट है ओपन वेदर मैप जो कि हमें एपीआई प्रोवाइड करेगा, तो वो एपीआई हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा, उसके थ्रू हम गेट करेंगे द करंट वेदर डेटा फॉर अ गिवन सिटी। जो सिटी हमने उधर सेलेक्ट किया होगा उसके बेस पे हमें उसका करंट वेदर रिपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि एपीआई आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एपीआई इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए हम यूज करते हैं ताकि हम अपने एप्लीकेशन को दूसरे किसी सर्विस के साथ कनेक्ट करें। मिसाल के तौर पर फ्रंट एंड और बैक एंड का एक दूसरे के साथ कनेक्शन, या फ्रंट एंड का किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए जो कनेक्शन यूज होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देट, अल्लाह हाफिज़।